खरगोन जिले के कसरावत के ग्राम ओजरा में शुक्रवार को एक शादी समारोह में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जिसमें दूल्हे के साथ साथ समारोह में आए अतिथियों और परिवार के सदस्यों ने भी रक्तदान किया। लोगों को सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन एवं जागरूकता के उद्देश्य से शादी समारोह में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। रक्तदान करने वाले लोगों को पिता दयाराम यादव एवं परिजनों द्वारा गिफ्ट भी दिए गए और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन हेतु पॉम्पलेट भी बांटे गए। जिला चिकित्सा खरगोन के प्रभारी ब्लड बैंक सचिन चौहान, राकेश गुजर, LT हरीश चौबे और टीम के सहयोग से यह कैंप आयोजित किया गया। ग्राम ओजरा में यादव बोराड़िया परिवार द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दूल्हे अंतिम यादव एवं शुभम यादव सहित 40 लोगों ने रक्तदान किया। खास बात यह रही, दूल्हा की भाभी नेहा राम यादव और मनीषा लखन यादव ने भी रक्तदान किया। युवा यादव अहिरवार समाज संगठन वेलफेयर सोसाइटी जिला खरगोन से जुड़े ब्लॉक अध्यक्ष अंतिम यादव ने शादी कार्ड के निमंत्रण में भी लोगों से रक्तदान करने की अपील की। इस अपील का लोगों पर भी असर हुआ और शादी समारोह में पहुंचे लोगों ने नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने के बाद रक्तदान किया। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। विभाग के पक्ष में जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, यह काबिल तारीफ है और मैं परिवार को इसके लिए साधुवाद देता हूँ। युवा में इससे जागृति आएगी और युवा रक्तदान के प्रति जागृत होंगे। मैं नरेंद्र कुमार यादव, अध्यक्ष युवा यादव यही समाज संगठन जिला। आज अंतिम यादव जी और शुभम यादव जी के विवाह समारोह के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे ग्राम ओझरा में रक्तदान शिविर रखा गया है। इसमें लोग बड़े ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक 24 यूनिट रक्तदान हो चुका है और अभी भी कैंप जारी है। मैं इनके काम के लिए बहुत ही इन्हें सराहनीय है इनका जो कार्य है, और मैं इन्हें आगे भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करूँगा। आज हमारे दोनों भाइयों की शादी है, उस उपलक्ष्य में हमने एक नई पहल करी हुई है, ब्लड कैंप लगाया। सभी जो भी रक्तदान कर रहे हैं उन सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं और मेरा परिवार इन सभी रक्तदाताओं का हृदय दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।